देखिए कुछ दिन पहले बहुत इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस इशू हुई है आरबीआई की तरफ से जहां पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक्स को स्टेट की कोऑपरेटिव बैंक से मिलाने की परमिशन आरबीआई दे सकती है अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई प्रॉपर प्लान के साथ आरबीआई के सामने आए इस रिस्पेक्ट में आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उसके बीच के फर्क को समझना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र में बहुत अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक्स काम करते हैं जो कि पूरे स्टेट के लेवल पे काम करते हैं वो बहुत सारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं फॉर एग्जाम्पल अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक अपना सहकारी बैंक बसीन कैथोलिक कोऑपरेटिव बैंक इस प्रकार के जो बैंक हैं ना वो आपको महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में मिल जाएंगे वहीं पर अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव या फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की बात करोगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तक लिमिटेड होंगे जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक की बात की जाए तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का, अपना है, का अपना है, यहाँ पे बना जाते। आप बोलोगे जब स्टेट के लेवल पे काम कर रहे थे तो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक बनाने की क्या जरूरत थी देखिए बैंकिंग एक फिना है जरूरी आप समझिए वैसे तो एस बी आई पी एन बी भी काम कर रहा है ना तो जब ऑलरेडी एस बी काम कर रहे हैं तो स्टेट के लेवल पर अभ्योधिया कोऑपरेटिव बैंक बनाने की जरूरत क्या है क्योंकि वो सेक्शन हमारी सोसाइटी का जिसको एस और पी जैसे बैंक नहीं पहुंच सकते उनको एक कॉपरेटिव बैंक पहुंच सकते हैं उसी प्रकार से स्टेट के लेवल पे जो एक बड़ा कॉपरेटिव बैंक काम कर रहा है हो सकता है कि वो डिस्ट्रिक्ट के हर इंसान की जरूरत को पूरा ना कर पाए इसलिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बनाए गए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है ना यहाँ पे जो लोकल लेवल के एम एल पॉलिटिशियंस होते हैं वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो इस पॉलिटिक्स के बहाने ऐसा समझा जाता है कि ये पॉलिटिशियंस जबरदस्ती इन बैंकों की फंक्शनिंग को अच्छा रखेंगे लेकिन जहां पे भी पॉलिटिक्स आ जाती है वहां पे आ जाती है प्रॉब्लम पॉलिटिशियंस का क्या सीन है कि वो कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंटरफेरेंस करने लगते हैं इन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट पे अपने पसंद के लोगों को चुनाव करेंगे आगे आने वाले समय में अपनी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से लोन दिलवाएंगे नहीं दिलवाएंगे तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक है ना या फिर कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है ये एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर रहे थे तो हुआ ये कि बहुत सारी राज्य की सरकार आरबीआई के पास गई और उन्होंने बोला कि भाई ये जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक है इसको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से आप मर्ज कर दो और एक टू टायर स्ट्रक्चर बना दो इस रिस्पेक्ट में मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग रेगुलेशन 1949 को अमेंड करने के लिए एक बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल लाया गया था दो में ये जो भाई आपका बिल लाया गया था बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल दो इसने अमेंड किया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कोऑपरेटिव बैंक्स के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजें थी जो कमी थी कोऑपरेटिव बैंक्स की लाइसेंसिंग कैसे होगी इसका मैनेजमेंट कैसे होगा इसका ऑपरेशन कैसे होगा ये काफी कुछ बताया गया है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 के थ्रू और अब ये जो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है इसके थ्रू आप जो कॉपरेटिव कर सकते हो अभी इन्हीं नियम कानूनों के हिसाब से कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये गाइडलाइंस क्या बोलती हैं ये गाइडलाइंस ये बोलती हैं कि एक स्टेट में स्टेट के लेवल पे जो कॉपरेटिव बैंक काम कर रहे हैं मान लीजिए अभ्युदय कोटिव बैंक और उसी स्टेट में उसके नीचे कुछ बैंक्स काम करने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में मान लो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक तो इन बैंकों को बैंक बैंक का जूनियर बना के के एक दूसरे साथ मर्ज किया जा सकता है तो टू टू टायर टायर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बन जाएगा इस टू टायर को यहाँ पे क्या बोला गया तो इसको बोला गया टू टायर शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर एस टी सी सी एस यानी ये जो नीचे के लेवल के डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो बैंक हैं उनकी फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक देखेगा अब अगर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इन डिस्ट्रिक्ट के लेवल की बैंकिंग के फंक्शंस को देखेगा तो जो लोकल लेवल के पॉलिटिशियंस अपना जोर चलाते थे ना इन डिस्ट्रिक्ट लेवल के बैंकों में वो लोकल लेवल वाला जोर बंद हो जाएगा जो, कही जो कि कहीं ना कहीं जरूरी है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इसलिए बनाए गए थे कि वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सके और पॉलिटिशियंस इतना ज्यादा इंटरफेरेंस करते हैं यहाँ पे कि सर्विसेज तो प्रोवाइड हो नहीं रही थी उल्टी इनफिशियंसी आ रही थी प्लस एक और बात है आप देखोगे कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक काम कर रहे हैं उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के ऑर्गेइजेशन होते हैं मिल्क यूनियंस होते हैं आप देख लो अर्बन कोऑपरेटिव्स होते हैं रूरल कोऑपरेटिव्स होते हैं एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स होते हैं बहुत अलग अलग बॉडीज़ होती हैं और इन बॉडीज की अपनी अपनी पार्टनरशिप होती है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में तो अब ऑब्वियस सी बात है अगर आप इन दोनों बैंकों को मर्ज कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं जो शेयर है कहीं ना कहीं अलग अलग प्लेयर्स की जो पार्टनरशिप है स्टेक होल्डरशिप है इसको भी डिसाइड करना पड़ेगा तो यहां पे आरबीआई ने राज्य की सरकारों से बोला है कि आप एक प्रॉपर प्लान लेके आइए जिसमें आप इन बैंकों में कैपिटल इन्फ्लूजन कैसे करोगे जब इन बैंकों को जरूरत पड़ी आप इसको फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करोगे इसका बिजनेस मॉडल कैसा होगा क्या उस बिजनेस मॉडल में प्रॉफिट है गवर्नेंस कैसे की जाएगी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मांगी है आरबीआई के पास प्लान जाएगा और आरबीआई नाबार्ड से डिस्कस करने के बाद ये सोचेगा कि भाई प्लान एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है समझ गए तो भाई डीसीबी को एस के साथ जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है ये केस बाई केस डिसाइड किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाबार्ड के साथ कंसल्टेशन करके इसको डिसाइड करेगा और दो स्टेप्स होंगे पहले स्टेप में जो भी डॉक्यूमेंट आरबीआई के सामने रखे गए हैं इलाके आरबीआई नाबार्ड ये देखेगा कि वो डॉक्यूमेंट सही है क्या उससे कुछ प्रॉफिट हो सकता है तो पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल आएगा इन प्रिंसिपल अप्रूवल के बाद उस डीसीसीबी को एसटीसीबी के साथ मिलाने के लिए जो लोकल उसके स्टेक होल्डर्स हैं वो वोटिंग डालेंगे अगर मान लीजिए डीसीसीबी में कोई मिल्क यूनियन का कुछ परसेंटेज शेयर है और मान लीजिए से मिलने के बाद ओवरऑल ग्रुप में उसका शेयर नहीं बन पा रहा है तो ऐसे केसेस में कैपिटल इन्फ्लूजन राज्य की सरकार को करना पड़ेगा ताकि किसी भी स्टेक होल्डर का हित यहाँ पे हर्ट ना हो और फाइनली अगर सब कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स और जितना भी कैपिटल इंफ्लूजन प्लान राज्य की सरकार सामने रखती है इस पर्टिकुलर एमलगमेटेड बैंक को चलाने के लिए अगर वो आरबीआई को पसंद आता है तो इसको फाइनल अप्रूवल दे दिया जाएगा और उस डीसीसीबी को एसटीसीबी के साथ जोड़ दिया जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ जोड़ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे लोकल लेवल के पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा और जो इनएफिशिएंट काम करने का तरीका होता है लोकल लेवल के बैंक में अब देखिए गाँव की जो ब्रांचेज होती है जब कभी वो आप जाओगे ना तो स्टाफ आया ही नहीं है किसी घर के बच्चा पैदा हुआ तो छुट्टी मार ली भाई प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं होता गांव का कोई आदमी लोन ले मांगने आया तो उसको वापस भेज दिया कल आना परसों आना एक प्रोफेशनल फंक्शन लाने के लिए किसी बड़े बैंक का ऊपर से कहीं ना कहीं प्रेशर होना चाहिए आप पीएनबी की भी किसी रूरल ब्रांच में चले जाओ वहां के भी एम्प्लॉयज ढीले बैठे रहते हैं बट फिर भी कहीं ना कहीं प्रेशर होता है कि पीएनबी के टॉप ऑफिशियल्स का प्रेशर आ सकता है ये जो डीसीसीबी एक डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करते हैं ना इनके एम्प्लॉयज मनमानी करते हैं पॉलिटिशियंस अपनी मनमानी चलाते हैं तो इस प्रकार की मनमानी को बंद किया जाए इनके कामों को और प्रोफेशन इज किया जाए इसीलिए इन डी सी इसको एस टी के साथ जोड़ा जा रहा है आई होप ये मर्जिंग का प्रोसेस आपको यहाँ समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना